अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरहमगुल फ्रॉम अरहमगुल ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे टेक्नो कैमॉन 15 प्रो के बारे में। अब ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और आपको फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशंस और फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस देगी। आज के इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के मुकम्मल प्राइस और साथ में स्पेसिफिकेशन और साथ में मुकम्मल डिटेल्स में बात करेंगे, फुल इन डेप्थ में जाकर चेक करेंगे कि ये स्मार्टफोन आपको जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है, क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्या ये स्मार्टफोन कौन सी प्राइस में आएगा, सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, और अगर आप चैनल पर हैं तो मेक श्योर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं टेक्नो कैमॉन 15 के बारे में और जानते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। तो कहते अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें इसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर अगर डिस्प्ले की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले देने को मिलेगा। अगर हम रेजोल्यूशन की बात कर लें तो FHD प्लस यानी 1080p वाली रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साइड के अगर बेजल्स की बात करें तो बेजल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बड़ी थिन काफ़ी ज़्यादा थिन बेजल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो सी इसकी चिन है स्मार्टफोन की वो थोड़ी एवरेज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नोच की तो यहाँ पर आपको नोच नहीं देखने को मिलेगी, ना ही यहाँ पर आपको पंच होल देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा फीचर देखने को मिलेगा, जो कि जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले का यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बैक की बात कर लें तो बैक पर आपको क्वाड कैमराज देखने को मिलेंगे, एंड मेन कैमरा यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेगा। साथ में एक आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक मैक्रो शॉट के लिए लेंस, और एक यहाँ पर आपको एक और लेंस देखने को मिलेगा, वो कन्फर्म नहीं कि कौन सा लेंस है। और अगर यहाँ पर फ्रंट की तरफ बात करें तो फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फीचर वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर इसके इंटरफेस की तरफ देख लें, इसके डिज़ाइन की तरफ देख लें, तो लगता नहीं कि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है, काफ़ी स्पेसिफिकेशन आपको ये दे रहा है। अगर गाइस हम यहाँ पर बात कर लें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म नहीं है वैसे टेक्नो की तरफ से, बट कुछ वेबसाइट्स पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको टेक्नो को, जैसे आपको बताया हर स्मार्टफोन में हीलियो का मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ करता, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 या P60 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देने को मिल सकता है। वैसे ज़्यादातर जो सी लीक्स हैं वो P60 की आई हैं, तो मेक श्योर के P60 ही इसमें हो, बट अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं, एंड जब ये लॉन्च होगा तभी पता लगेगा कि इसके बारे में कौन कौन सा इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आपको देने को मिलेगा। अगर सेकंडली हम बात कर लें इसके रैम एंड रोम वेरियंट्स की, तो यहाँ पर आपको एक वेरियंट देने को मिलेगा 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, और इसके अलावा कोई वेरियंट नहीं आपको देने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पर आपको या तो 4000 mAh की देने को मिलेगी या 5000 mAh की देने को मिलेगी, क्योंकि पहले जो लीक्स आ रही थी उसमें या रूमर्स आ रहे थे उसमें ये लिखा हुआ था कि 5000 mAh की बैटरी देने को मिलेगी, बट अब वो चेंज कर दिए गए हैं एंड यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी मेंशन कर दी गई है। मेक श्योर कि यहाँ पर या तो 4000 आए या तो 5000 आए, सो अभी कुछ भी यहाँ पर बैटरी के बारे में कंफर्म नहीं है, या तो 4000 हो सकता है या 5000 यहाँ पर बैटरी हो सकती है। तो ये थी इसकी कुछ लीक स्पेसिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसकी प्राइस के बारे में, तो वो मैं आपको बताना चाहूँ, ये स्मार्टफोन 37,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बिटवीन लॉन्च किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि स्मार्टफोन 37,000 रुपये के अंदर लॉन्च किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लीक 37,000 रुपये की ही आ रही हैं। तो मेक श्योर कि ये स्मार्टफोन 37,000 रुपीज़ के अंदर लॉन्च हो जाए। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, दिस इज अरहमगुल साइनिंग ऑफ एंड #FastTech।